वेलकम टू राहुल टॉक गाइज। येस बैंक फिर से फंड राइजिंग कर रहा है, जबकि आपको पता है कि जुलाई के समय में एक बार करीब 15,000 करोड़ रुपीज का फंड राइजिंग किया था, जिस समय येस बैंक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, जिसके कारण अब फिर से फंड राइजिंग हो रहा है। वो भी 22 जनवरी को इसका रिजल्ट है, और रिजल्ट के पहले येस बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि फिर से इसका फंड राइजिंग किया जाएगा। तो गाइज इसमें डिपेंड करता है कि ये फंड राइजिंग जो फंड राइज करेगा, ये फंड अब कहाँ पर यूज करे, किस जगह पर जाके यूज करे, वो जगह मेन होता है और यही जगह मेन होगा। और गाइस जैसे कि आपको सबको पता है कि येस बैंक जो है अब इसका मैनेजमेंट हर कुछ बदल गया है, तो जाहिर सी बात है इसका फंड राइजिंग जो कर रहा है ये कहीं ना कहीं जरूर अच्छा ही यूज करेगा और अच्छा ही होगा। तो जैसे कि हर किसी का मन में एक खौफ है, एक डर है कि येस बैंक अपने फंड को किस जगह पर यूज करेगा और किस लिए फंड अपना राइज कर रहा है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा चीज़ पता चलेगा, काफ़ी सारा चीज़ जानेंगे येस बैंक के बारे में। और आपके पास कितना ज़्यादा शेयर है येस बैंक का, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ऑलराइट गाइज, आप NSE के साइट में देख सकते हैं येस बैंक में किस तरह का ट्रेडिंग चल रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरह हम अपने पहले के वीडियो में आपको बताए हैं कि इस जगह पर जब तक इसमें शेयर में कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक इसको आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ही कम है। और आप देख सकते हो 17 और 18 रुपीज़ के आसपास में, इसी के बीच यहाँ पर किस तरह से एक मतलब इसका जो ट्रेडिंग चल रहा है उस केस में इसमें कंट्रोल में आया। पहले तो इसमें 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास इसमें ट्रेडिंग चलता था, और बायर की तरफ अधिकतर अगर अपर सर्किट लगने के समय यहाँ पर 6 करोड़ के आसपास शेयर हो जाता था, और लोअर सर्किट जब लगता था करीब 8 करोड़। तो वो चीज़ जो है इस जगह पर अब कंट्रोल में है, और वही कंट्रोल के यहाँ पर ज़रूरत है। और कल फंड राइजिंग में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता तो इस जगह में ज़रूर इसमें सेलर और बायर के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता, पर वहाँ पर इस तरह नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम में हुआ है, और ये 3 होते होते ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका वॉल्यूम, तो ये भी एक अच्छा बात है। और दूसरा चीज़ अगर आपको हम बताएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज करीब हाई गया था 17.85 का, इतना रुपये का हाई लगा था, और मार्केट खुला था 17 उतना में ही, और लो गया था 17.60। मतलब इस जगह पर 17 और 18 के बीच में काफ़ी बड़ा गेम चल रहा है, और ये गेम रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है येस बैंक में और येस बैंक क्या हो सकता है। क्योंकि गाइस जो फंड राइजिंग हो रहा है ये जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही फंड राइजिंग किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि फंड को किस जगह यूज करे, किस जगह पर ये यूज करे जाके, और फंड का क्या हो। तो क्या जिसे आपको पता है कि येस बैंक में इस बार रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि पिछले लगातार 2 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इसका रिजल्ट दिखाई, और अगर ईयर ऑफ ईयर इसका कंपेयर करें तो हो सकता है कि थोड़ा डाउन हो, पर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में इसका रिजल्ट में जरूर इसका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिले, और जितना भी शेयर होल्डर है उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिले। क्योंकि यहाँ पर 18 से 100 का जो सफ़र है उसमें करीब 2 से 3 साल लग सकता है, और ऐसे भी हो सकता है अगर कुछ अच्छा हो येस बैंक में, क्योंकि न्यू मैनेजमेंट है। गाइस जुलाई 2020 में जो येस बैंक FPO से 15,000 करोड़ रुपया का फंड राइजिंग किया था, वो भी इसी तरह से ही था, करीब FPO से ही किया था, और अभी भी ये FPO के थ्रू ही फंड राइजिंग कर रहा है करीब 14,000 करोड़ के आसपास, तो ये भी उसी तरह है। अब यहाँ से ये देखना है कि येस बैंक जो फंड राइजिंग कर रहा है इससे ये नीचे आता है कि ऊपर जाता है। तो गाइस जिस तरह से अभी न्यू मैनेजमेंट के हिसाब से जिस तरह चल रहा है, तो हो सकता है कि ये 30 रुपीज़ के आसपास चला जाए फिर से उसी जगह पर जो फंड राइजिंग किया था पहली बार में। हो सकता है कि येस बैंक का 100 का सफ़र बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए। तो गाइस इस वीडियो का जो थंबनेल में हम आपको बताएं 18 से 100 के आसपास में काफ़ी जल्दी जाने का चांसेस है। तो गाइस ये फंड राइजिंग अगर ये पॉजिटिव के तौर पर होता है इस क्वार्टर के बाद, अगर अगला क्वार्टर में भी कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए और अकाउंट होल्डर का भी अगर अकाउंट काफ़ी ज़्यादा दिखाए, तो हो सकता है येस बैंक काफ़ी जल्दी ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। और हम अपने आपका हर वीडियो में आपको बताएं कि येस बैंक किसी भी हाल में 17 का जो सपोर्ट है वो नहीं ब्रेक करेगा, अगर भी ब्रेक करता है तो 15 के आसपास आने का चांसेस है, क्योंकि ये मार्केट है, एक जन के हिसाब से नहीं चलता है। अगर कोई बड़ा एक फंड वाला बेच गया तो हो सकता है नीचे आ सकता है, पर गाइस मेरा मानना ये है और मेरा कहना भी ये है कि फिलहाल ये 17 का जो सपोर्ट है इसको तोड़ना अभी इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो इसका सपोर्ट जिसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं वो करीब 17 के आसपास में है, और इसका जो अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो वह अभी है 18.50 रुपीज़, इतना अगर रुपीज़ पर अभी है और इसी पर येस बैंक अभी मूव कर रहा है। अब बात है कि फंड राइजिंग से अब रिजल्ट पर क्या डिपेंड करता है, रिजल्ट में अगर अच्छा आता है तो हो सकता है येस बैंक तुरंत अपर सर्किट लग जाए और आपको येस बैंक दूसरा बार दूसरा दिन मिले ही ना, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका मन में कोई ऐसा भी शेयर जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, उसके लिए भी आपको वीडियो बना के बताएंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।